इन दिनों भारतीय बाजार में लोगों द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को खूब पसंद किया जा रहा है। इसका एक कारण पेट्रोल की बढ़ती कीमतें भी हो सकती हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा पेट्रोल और डीजल भरवाने में खर्च नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका अंदाजा TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube की बिक्री से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि TVS iQube ने तोड़ दिए अपने ही बिक्री के कई रिकॉर्ड्स। TVS मोटर ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया था, जिसे ग्राहकों द्वारा जबरदस्त रिस्पांस मिला। इसकी लॉन्चिंग के बाद से इसे धड़ाधड़ बुकिंग्स मिली हैं। कंपनी ने जहां जनवरी 2022 में केवल 1529 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे थे, वही अभी आंकड़ा जून महीने में 4667 का पहुंच गया है, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ बजाज के इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक ने भी जून महीने में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है, जहां जनवरी महीने में बजाज ने चेतक के केवल 1268 यूनिट ही बेचे थे, वहीं अभी आंकड़ा दोगुना होकर जून महीने में 2469 यूनिट हो गया है। TVS मोटर के MD सुदर्शन वेणु ने कहा है कि बिक्री के इस आंकड़े को देख कंपनी इस साल के अंत तक एक और नया इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। साथ ही साल कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए EV सेक्टर में निवेश करने का ऐलान किया है, जिससे TVS अपने EV पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके और मार्केट में मौजूद दूसरे कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर से कम्पीट कर सके। It's not a game.